दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। हम बात करने वाले हैं यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और बुखार हुआ बेलगाम, जिसमें डेंगू के बुखार से अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है और इनमें 3719 अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें लापरवाही से 3 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अच्छे दिन में महंगा सिलेंडर हुआ, जियो नरेंद्र जियो नरेंद्र। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से, लेकिन अगर आप भी मोदी सरकार और गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, जिससे देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आपको बता दें यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और बुखार बेलगाम हो चुका है, जिसमें अब तक 50 लोगों की जान गई और 3719 अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों की लापरवाही से 3 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को निर्देश दिए हैं कि वह शुक्रवार से आगरा और फिरोजाबाद जनपद में शिविर लगाए। इसके अलावा कोविड मरीजों के लिए आरक्षित ऑक्सीजन की सुविधा वाले आइसोलेशन बेड्स को डेंगू सहित अन्य वायरल बीमारियों के इलाज के लिए उपलब्ध रखने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल आपको बता दें फिरोजाबाद में बुखार व डेंगू से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 50 हो गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनेश कुमार ने शुक्रवार सुबह जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि जिले में अब तक 50 लोगों की डेंगू और बुखार से मौत हो चुकी है। दोस्तों गुरुवार देर रात 3 और मरीजों के मौत होने की मृतक संख्या 47 से 50 पर पहुंच गई। उन्होंने बताया है कि जनपद में 10 शिक्षकों की पहचान की गई है, जहां इन रोगों का प्रकोप चल रहा है। इनमें 9 ब्लॉक व नगर निगम क्षेत्र हैं। उन्होंने बताया है कि कुल 3719 रोगी उपचाराधीन हैं, वहीं ज्वर से ग्रस्ती कुल रोगी 2533 हैं। इसी बीच सदर विधायक मनीष असीजा ने बुखार और डेंगू से अब तक 61 लोगों की मौत होने का दावा किया है। दोस्तों विधायक के अनुसार ये क्षेत्र में लगभग घूम कर पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं और उनके परिवार में हुई मौतों की जानकारी से जुट रहे हैं। दरअसल आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को निर्देश दिए हैं कि वे शुक्रवार से आगरा और फिरोजाबाद जनपद में शिविर लगाए। इसके अलावा कोविड मरीजों के लिए आरक्षित ऑक्सीजन की सुविधा वाले आइसोलेशन बेड को डेंगू सहित अन्य वायरल बीमारियों के इलाज के लिए उपलब्ध रखने के निर्देश दे दिए। जनपद में वायरल बुखार और डेंगू से पीड़ित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्थिति को संभालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिला अधिकारी भी अपनी टीम के साथ घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाकर वे उपचार की समीक्षा कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों जिला अधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गोल्डे के नोडल अधिकारी बनाया है। जिला अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने डेंगू व वायरल बुखार की बढ़ते प्रकोप के दौरान लापरवाही के चलते गुरुवार देर शाम 3 चिकित्सकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जिला अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया है चिकित्सा गृह श्रीवास्तव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेलाई और डॉक्टर सौरभ डॉक्टर रुचि यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पिछले लगभग 2 सप्ताह के वायरल बुखार और डेंगू का प्रकोप फिरोजाबाद जनपद के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 अगस्त को फिरोजाबाद पहुंचे थे और बीमारी से पीड़ित लोगों का हाल जानने के साथ साथ इसे नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों दूसरी अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा है कि अच्छे दिन में महंगा सिलेंडर बढ़ता जा रहा है, जियो नरेंद्र जियो नरेंद्र। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने घरेलू गैस की कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तंज किया। बता दें कि 1 सितंबर से घरेलू गैस की कीमतों में 25 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ है। इस महीने की पहली तारीख से बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए 50 पैसे का इजाफा हो गया। 15 दिन के भीतर ही दूसरी बार गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई। इसके बाद लोग इस महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार बता रहे हैं।
और तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी अपने अपने तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साधा। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो रिट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि अच्छे दिन में महंगा सिलेंडर, जियो नरेंद्र, जियो नरेंद्र। इससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार के मंत्रियों के पुराने बयानों को साझा करते हुए मोदी सरकार पर तंज किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेंद्र बघेल ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी सड़कों पर अब सिलेंडर लेकर आंदोलन शुरू करें। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी केंद्र की भाजपा सरकार को निशाना बनाया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आपने राज्य में दो ही तरह से विकास किया। एक तरफ आपने खरबपति मित्रों की आय बढ़ाकर बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ आम जन के लिए आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। वहीं 1 सितंबर से बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर और कंसल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया। अब राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाला गैस सिलेंडर 884.50 रुपए में मिल रहा है। 18 अगस्त को 25 रुपए कीमत बढ़ा गई। अब चेन्नई से गैस सिलेंडर की कीमत 90 रुपए पार कर गई। वहीं कोलकाता में 911 रुपए, मुंबई में 884 रुपए, लखनऊ में 922 रुपए को पार कर गया। बता दें कि 9 महीने के अंदर ही गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 75 रुपए का इजाफा हुआ। वहीं इस साल जनवरी से 190 रुपए प्रति दाम बढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार के आने से पहले ही बता दें कि एलपीजी सिलेंडर 410.50 रुपए में मिल रहा था। 8 साल की इस कीमतें लगातार दोगुनी हो चुकी हैं। अब के दाम मार्च को 2014 के दाम से 474 रुपए ज्यादा कर दिए गए। बता दें कि मोदी सरकार ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने की भी अपील की और बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा से मोदी सरकार के लिए सब्सिडी छोड़ दी। बाद में मई 2020 से सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी।